मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति बस्ती जनपद में बेमानी साबित हो रही है। जिला पंचायत के अधिकारियों की चुप्पी से भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। समय रहते अगर इस पर अंकुश नहीं लगा तो आने वाले समय में कहीं ये लापरवाही आम लोगों के जीवन के खतरा न बन जाए। पेश है एक रिपोर्ट। जिला पंचायत विभाग की तरफ से एक बजट पास हुआ। करोड़ों की लागत से लोहिया कॉम्प्लेक्स मार्केट के ऊपर दुकान बनाने का प्रस्ताव पास किया गया। सारे कागजी कोरम पूरे हुए, टेंडर निकाला और ठेकेदार को काम मिल गया। मगर कमीशन का खेल ऐसा कि ठेकेदार ने दिल खोलकर भ्रष्टाचार करना शुरू कर दिया। अधिकारियों ने रुपयों की खनक किया कि अपनी आंखें बंद कर ली। मतलब जिस भवन का निर्माण कार्य अभी चल ही रहा था उसकी दीवार और नींव अभी से तरकने लगी। घटिया सामग्री के इस्तेमाल से इमारत खड़ी की जा रही थी। ईंट ऐसी कि एक टक्कर में दो टुकड़े हो जा रहे। सीमेंट की गुणवत्ता का तो पूछिए मत। धरती पर जो सबसे सस्ता और घटिया क्वालिटी का था उसे यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सब कुछ जिले के पड़े वाले अफसर बाबू की नाक के नीचे हो रहा है। खबर यूपी लाइव ने इस भ्रष्टाचार को लेकर आवाज उठाई। मौके पर जाकर किए जा रहे भ्रष्टाचार की पोल खोली, तब जाकर अधिकारी आनंद फानन में कार्रवाई में जुटे। जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी ने मौके पर जाकर सबसे पहले निरीक्षण किया। घटिया सामान देखकर ठेकेदार को जमकर डांट खिलाई, फिर बोले तत्काल काम रोको, जब तक सामग्री सही नहीं लाते काम नहीं होगा। फिलहाल AMA जिला पंचायत ने जेई को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि निरंतर कार्यों की निगरानी करने के लिए निर्माण करवाए। इसके अलावा संबंधित फर्म के ठेकेदार को नोटिस भी जारी कर दिया है और सख्त हिदायत दी कि अगर दोबारा निर्माण कार्य में लापरवाही हुई तो फर्म को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि सब कुछ प्रशासन की नाक के नीचे हो रहा था। विकास भवन, DM दफ्तर और जिला पंचायत ऑफिस के सामने ठेकेदार बेधड़क गुणवत्ता विहीन और बेहद घटिया सामग्री का इस्तेमाल कर दुकानों का निर्माण करवा रहे थे। अगर समय रहते नहीं चेते होते तो शायद इस भ्रष्टाचार की इमारत के नीचे कोई बड़ा हादसा हो जाता और जिम्मेदार सिर्फ लकीर पीट कर एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ शुरू कर लेते। मैं उसमें जो गया हुआ था वहाँ पे जांच करने, तो मैंने देखा कि वहाँ पे ईंटें पड़ी हुई थी, तो मैंने तत्काल जो है जेई को बुला के उस ईंटों को हटवाने के लिए आदेशित कर दिया है और ठेकेदार को भी नोटिस जारी कर दिया। अगर दोबारा ऐसी गलती पाई गई तो उसको ब्लैकलिस्टेड कर दिया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई भी कर दी जाएगी। वहाँ पे दुकानों का निर्माण हो, मॉनिटरिंग की जा रही है। इधर हम लोग सब पूरा जो है जिला पंचायत का स्टाफ जो है मेले की तैयारियों में लगा हुआ है, तो इस दौरान थोड़ा सा जेई हमारा जो मुख्य जेई है जो इस काम को देख रहा है उसकी जिम्मेदारी मेले में लगी हुई है, तो उसको भी मैंने बुला के तत्काल समझाया और वहाँ पे पूरा काम तत्काल रुकवा दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर यूपी लाइव।